नमस्कार, आप देख रहे हैं News 22 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। बालू खनन की आशंका से ग्रामीणों ने की ADM से शिकायत। बालू खनन से गांव को सरयू नदी के कटान से खतरा। बालू हटाई गई तो बाढ़ के दौरान नदी में समाने का गांव वालों को सता रखा के डर। दर्जनों ग्रामीणों ने ADM से बालू खनन रोकने की लगाई गुहार। मामला सिरौली गोसपुर के सरयू नदी के तलहटी में बसे गांव का है। आपको बताते चले कि जनपद बाराबंकी के तहसील सिरौली गोसपुर अंतर्गत घाघरा तलहटी के बिहण मनीरामपुरवा आदि गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि गांव के किनारे सरयू नदी में आई सिल्ट को दबंगों द्वारा बालू खनन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोका जाए। और ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों के गांव नदी के कटान के मुहाने पर हैं और बाढ़ के समय विभाग द्वारा तेगोड़िया बोरी खंबे आदि डालकर रोकने का प्रयास किया गया था, जिस पर सिल्ट काफी जम गई। कटान का खतरा तो टल गया किंतु दबंगों द्वारा बालू खनन का प्रयास किया जा रहा है। बालू निकल गई तो आगे नदी के कटान की संभावना और बढ़ जाएगी, जिसे तत्काल जिम्मेदार प्रशासन को रोकने की आवश्यकता है। इस मौके पर दर्जनों ग्रामवासी एकत्रित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट News 22 इंडिया। अच्छा, यहाँ आप लोग क्यों आए थे? हम लोग यहाँ आए थे, कल यहाँ लेखपाल आए थे, कुछ ठेकेदार आए थे। यहाँ पे अवैध तरीके से नाप की गई है, खदान चलाने की कोशिश की जा रही है और एक गांव जो है ये 50 मीटर दूर गांव यहाँ से है और लोगों का खेत, कुछ बहुत लोगों का खेत कट चुका है, बाकी कटान पे है। अगर यहाँ खदान चल गया तो जो लोगों का एक दो बीघा खेत बचा वो भी कट जाएगा, बाकी घर भी कट जाएगा, लोगों के पास रहने की व्यवस्था खाने। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 इंडिया। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।